उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रविवार को प्रयागराज पहुंचने के साथ ही जिला पंचायत की सियासत फिर से गर्मा गई है। डिप्टी सीएम ने जिला पंचायत चुनाव पर कहा कि भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है, समय आने पर प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा और सामूहिकता का परिचय देते हुए पार्टी के प्रत्याशी को सबके प्रयास से विजयश्री दिलाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार इसी सप्ताह 2 दर्जन से अधिक नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। प्रमुख पदाधिकारियों को गैर भाजपाई नवनिर्वाचित सदस्यों से संपर्क कर उन्हें अपने खेमे में लाने को कहा गया है। इससे पहले 16 मई को डिप्टी सीएम ने अन्य पार्टियों व निर्दलीय जीत कर आए 15 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सर्किट हाउस में संगठन अभियान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर पर हम लोगों ने विजयश्री प्राप्त कर ली थी, लेकिन दूसरी लहर में कुछ क्षति हुई है, उसका हम सभी को खेद है। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके आश्रितों को पीएम केयर फंड के माध्यम से तथा प्रदेश सरकार के सहयोग से उनके जीवन को यशस्वी बनाया जाएगा। जो हमारे ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं रहे, ऐसे बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीएम केयर फंड जो है उसके माध्यम से बड़ी घोषणा की गई है और बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व दिखाया गया है और प्रदेश सरकार के माध्यम से भी ऐसे बच्चों के लिए 4,000 रुपये मासिक की पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। 1 जून से विशेष तौर से जो कोविड के कारण से आंशिक कर्फ्यू के दौरान तमाम सारे प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें काफ़ी कुछ छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। उसकी कापी मैं अभी उपलब्ध करा दूंगा, पवन जी उसकी कापी आपको दे देंगे, जैसा उसका इस्तेमाल करना होगा आप करेंगे। ठीक। विपक्ष को आगाह करते हुए कि पब्लिक सब जानती है देश कोविड-19 की वजह से विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, विपक्ष आपदा में दुष्प्रचार का अवसर तलाशने की बजाय जनता का सहयोग करे। इस समय देश के अंदर विशेष तौर से भाजपा विरोधी कहिए चाहे मोदी विरोधी कहिए, एक बहुत तेज़ी से जो दुष्प्रचार करने का काम किया जा रहा है उनको मुझे लगता है कम से कम प्रयाग वालों को तो सही जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये पहला वर्ष नहीं है, ये दुखद है कि कोविड का इतना बड़ा संकट आया, इसमें भी लोग सहयोग करने की जगह दुष्प्रचार करने का काम, चाहे कोविड वैक्सीन को लेकर के हो और चाहे अब शवों को दफनाने को लेकर के हो, इतना बड़ा संकट प्रदेश के ऊपर है, तो जो प्रत्येक वर्ष मैं जानता हूँ फाफा मऊ में आप भी जानते हैं और गंगा जी के किसी भी घाट में पहले क्या रहता था, प्रवाह ज़्यादा रहता था, लोग शवों को प्रवाहित कर देते थे, अब क्या करते हैं लोग जहाँ बालू अधिक होती वहाँ पर शवों को दफना देते हैं और जब बाढ़ आती है उसमें बह करके चले जाते हैं। तो यह एक रहा तो उसको दूसरे रूप में प्रचार करने का काम किया गया। इस प्रकार के दुष्प्रचार से विपक्ष को बाज आना चाहिए और मीडिया के मित्रों से भी निवेदन है कि जो कम से कम प्रयाग के मीडिया के सभी साथी जानते हैं, चाहे फाफा मऊ हो, चाहे संगवेरपुर हो और चाहे अन्य कोई घाट, उन सभी घाटों पर इस प्रकार से लोग कई जिलों से आते थे और आकर के शवों को दफनाने का काम करते थे। कोविड से जोड़ करके और दुष्प्रचार करने वाले हमारे राजनीतिक विरोधियों के पास जब मुद्दा नहीं होता है, लोगों की सेवा करते नहीं हैं, दुष्प्रचार करते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि हम तो जवाब देंगे ही, लेकिन मीडिया को भी सच बताना चाहिए और कई यहाँ पे मैंने देखा है कि समाचार पत्रों ने भी कई लोगों ने उस सच को उजागर भी किया। चेतावनी दी कि कोरोना काल में ऑक्सीजन इंजेक्शन एवं जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वे चाहे जितने भी पहुंच वाले क्यों ना। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।